हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी चैनल टेक जुगाड़ है। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम जो आपकी कार है उसके एसी ब्लोअर की जो साउंड है उससे कम करने का एक वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डैटसन गो प्लस मॉडल है। इस गाड़ी में ये इशू था कि जब हम इसमें जब ब्लोअर को ऑन करते थे, एसी ब्लोअर को, तो इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसको ओपन किया और देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम आपको बताते हैं कि हमने जो भी चीज़ें देखी हैं उसमें क्या हमें इशू मिला। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप भी अपनी गाड़ी में इसी तरीके से इसको करके बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और आप अपने घर में ही अपनी गाड़ी के एसी का जो ब्लोअर है उसको सर्विस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो हमारी डैटसन गो प्लस है, इसमें जो इसका जो कार जो एसी का जो क्लीनर रहता है, एसी का जो फिल्टर रहता है, वो कहाँ पे रहता है। तो ये ड्राइवर साइड का जो अपोजिट साइड है, मतलब आगे के फ्रंट में जो लेफ्ट हैंड साइड की सीट है उसके नीचे में, ये देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाइट कलर का जो ये लगा हुआ है, और इसी में यहाँ पे ऊपर स्क्रूज टाइट है। इसमें चार स्क्रू टाइट रहते हैं। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से एयर फिल्टर निकलेगा, जैसे कि आपके हर 6 महीने में आपको साफ़ करना चाहिए, और साल भर के अंदर इसे चेंज करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो 6 महीने में आपको चेंज करना चाहिए। तो मैं इसे खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसका जो एयर फिल्टर है, एसी का एयर फिल्टर, वो कैसा रहता है। तो जैसे कि आप देखेंगे, ये चार स्क्रू इसमें से निकले हैं जिन्हें हमने ओपन किया है इस एयर फिल्टर को ओपन करने के लिए। और ये देखिए, मैं इसे यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो ये इस तरीके से इसका जो कवर है ये निकल जाएगा, और इसके बाद ये एयर फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, आप देखेंगे। तो मैं इसे भी बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये एयर फिल्टर है इसका, और देखिए यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे एयर फ्लो डायरेक्शन, और ये देखिए। तो आप देखेंगे कि काफ़ी गंदा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है, जबकि इसे मैंने पिछले हफ्ते ही साफ़ किया है, उसके बाद भी। और आप देखेंगे इसमें से जो कचरा निकला है, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का कचरा था इसमें, ये पेपर और पन्नियाँ और ये सब, क्योंकि हमने बाहर का वेंट ओपन करके रखा था, तो ये सब चीज़ें इसमें फंसी रह गई। ये इसको रोक लेता है, तो इसे हमें साफ़ करना है और इसे वापस लगाना है। और अगर इसके बाद भी आवाज़ आपकी नहीं जाती है तो फिर हम इसका ब्लोअर खोलेंगे। अब हम इस फिल्टर को वापस लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एयर फ्लो डायरेक्शन है वो किस तरफ रहेगी। तो ये मेरे वाले में जो है, इसकी एयर फ्लो डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ है, तो मैं इसको इसी तरीके से लगाऊँगा। और ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर चला गया, देखिए ये मैंने लगा दिया है पूरा। अब मैं इसके ऊपर से ये जो इसका जो ये ऊपर का कवर था उसे लगा दूंगा। जो डैटसन गो प्लस है, इसमें जो ड्राइव जो ब्लोअर मोटर लोकेशन है वो ड्राइवर सीट के नीचे डैशबोर्ड के, देखिए ये इस तरफ में आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो आपको दिखेगी, ये देखिए ये जो मोटर दिख रही है, ये जो राउंड सा जो पार्ट है, ये मोटर है, उसके ऊपर एक क्लिप लगा हुआ है, देखिए मैं आपको हाथ लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये जो मोटर है, इसे ओपन करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको उसके लिए सबसे पहले ये जो इसमें ये आप देखेंगे डैटसन गो प्लस में जो इसका जो हैंड ब्रेक यूनिट रहती है, ये इसे आपके इसके सारे स्क्रू उसके सारे जो नट बोल्ट हैं उन्हें ओपन करना है। तो देखिए ये मैंने ओपन करके रखा है, ये ऑलरेडी ओपन है, इसमें चार नट रहते हैं, इन्हें ओपन करना है और उसके बाद उस मोटर को निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं ऐसे रखता हूँ जिससे कि आप मोटर को देख पाएँ। तो देखिए मोटर के ऊपर एक क्लिप लगा हुआ है, मोटर के ऊपर की तरफ में, उसे दबाना है और मोटर को एक साइड घुमाना है बस। तो जब हम इसको दबाएंगे तो जो मोटर है हमारी, इसे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, ये देखिए, और ये देखिए बाहर आ गई, इसे हम बाहर निकालते हैं। तो ये जो मोटर है इसे हमने निकाल लिया है बाहर, और इसमें देखिए आप, ये बहुत सारी पन्नियाँ और कुछ इसमें कचरा फंसा हुआ है, तो हम इस मोटर को साफ करेंगे। देखिए ये सब इसके अंदर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से इसमें बहुत तेज़ साउंड आ रहा था। तो ये जो मोटर है ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आप घुमा के देख लीजिए अगर ये कहीं से आपको ऐसा लगे कि ये जाम है तो, क्योंकि मैंने इसे घुमा लिया। और आप अगर चाहें तो यहाँ से ये जो इसके तीन स्क्रू हैं ना, ओपन करके आप इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं। तो ये जो तीनों इसके स्क्रू थे हमने ओपन कर लिया है, बहुत आसानी से ओपन हो जाते हैं।
देखिए ये कवर है, और आपको जो ऑयलिंग करनी है वो यहाँ पे करनी है इस जगह पर। ये इसका जो बुश है इसको आपको यहाँ पे ऑयलिंग करनी है बस, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। और इसे हम वापस पैक करेंगे ऑयलिंग करके, और उसके बाद इसे वापस लगा देंगे तो जो आपका जो ब्लोअर साउंड है, ब्लोअर नॉइस है, वो चला जाएगा। तो ये जो मोटर थी इसका हमने, ये जो सप्लाई केबल है, ये जो आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें एक सॉकेट लगा हुआ है, ये हमने लगा दिया है। और इस मोटर को अब वापस हम इसकी जगह पर फिक्स करेंगे। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है वापस लगाने का, ये जो क्लिप है ये ऊपर की तरफ था, तो मैं इसे वापस घुमा दूंगा ऊपर। तो ये जो देखेंगे आप, इसमें ये ऊपर एक क्लिप है, देखिए मैं आपको इसे हाथ लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक ये क्लिप है ऊपर, इस क्लिप को हमें दबाना है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो खुल जाता है, और इसे एंटी, इसे सिर्फ लगा के वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये वापस लग जाएगा। तो ये जो मोटर थी हमने इसे वापस लगा दी है, मैं आपको इसे जल्दी से चला के दिखाता हूँ कि जो इसका साउंड था वो चला गया है। तो देखिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल जो एयर की आवाज़ आती है वो आ रही है, नहीं तो अभी तक ये बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था जैसे इसमें कुछ सामान फंस रहा है। तो ये जो है हमारा जो एयर ब्लोअर मोटर थी, हमने इसे साफ़ कर दिया है और इसे कम्प्लीटली फिक्स कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।